Hello everybody, welcome back to my channel Tech Tutions, and you are listening to Charu, your technical tutor. So in our lecture number 3, we are gonna study the generations of computer. And in our last video, we have studied the history of computer, which we have studied that computer's history is 300 years old. And friends, in 300 years, in computer, there are many changes, many improvements brought in, and on the improvements ke basis, the computer has divided 5 generations. So friends, let's go to the first generation. Ki or. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का पीरियड ऑफ टाइम है 1945 टू 1956, पर ध्यान रखिएगा कि ये पीरियड ऑफ टाइम फिक्स नहीं है, ये आपको डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट वेबसाइट्स में डिफरेंट पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था, साथ ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर पेपर टेप्स और मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया गया था। ये कंप्यूटर्स कम्प्लीटली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड पर बेस्ड थे। चलिए देखते हैं लिमिट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट, ये साइज़ में बहुत बड़े होते थे, ये साइज़ में इतने बड़े होते थे कि इनके सेटअप के लिए टोटल 1800 स्क्वायर फीट्स का एक रूम लग जाता था। सेकंड, नॉट ट्रस्टवर्दी, ये बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं थे क्योंकि इनके आउटपुट में एक्यूरेसी नहीं होती थी। थर्ड, ये बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते थे क्योंकि इनमें लार्ज अमाउंट में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। अब हीट प्रोड्यूस करते थे इसलिए इनमें एसी की रिक्वायरमेंट होती थी। तो फोर्थ है रिक्वायर्ड एसी। अब एसी की रिक्वायरमेंट होती थी इसलिए ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे, और एक्सपेंसिव होने के कारण इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी लो थी। और जैसे कि इनका साइज़ बड़ा होता है तो इनको मेंटेन करना इजी नहीं होता था, इसलिए सेवन्थ है हाई मेंटेनेंस। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं सेकेंड जनरेशन की ओर। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का पीरियड ऑफ टाइम है 1957 टू 1965। अब इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था, साथ ही इसमें प्राइमरी मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक कोर्स का और सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया जाता था। इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, कोबोल और फोर्ट्रान जैसी लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था। अब देखते हैं इसकी लिमिट्स क्या थी। फर्स्ट, बिगिन साइज। हालांकि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे हो चुके थे, लेकिन इनका साइज अब भी काफ़ी बड़ा था। सेकेंड, प्रोड्यूसेस हीट, ये अब भी काफ़ी हीट प्रोड्यूस करते थे जिसके कारण इसमें अब भी एसी की रिक्वायरमेंट थी, और साथ ही में इसी कारण ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते थे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी थर्ड जनरेशन की ओर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का पीरियड ऑफ टाइम है 1966 टू 1971। इसमें ट्रांजिस्टर्स की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया था, जिसके कारण ये मोर रिलायबल, मोर ट्रस्टवर्दी हो चुके थे। अब इसमें रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया गया था। इसके अलावा इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था, जैसे कि फोरट्रेन 2, फोरट्रेन 3, फोरट्रेन 4, कोबोल, पास्कल PL1, एल्गोल 68 एक्सेट्रा। इसकी लिमिट्स हैं, फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ आईसी चिप वॉज टफ। आईसी चिप की मेंटेनेंस बहुत टफ होती थी। सेकंड, प्रोड्यूसेस हीट, ये अब भी काफ़ी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते थे जिसके कारण इसमें अब भी एयर कंडीशनर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का पीरियड ऑफ टाइम है 1972 टू 1980। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह पर माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया गया था, जिन्हें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा गया है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें रियल टाइम, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया गया है। अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो उसमें सी, सी प्लस प्लस, डी बेस जैसी लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था। लिमिट्स, इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि इसमें VLC चिप यानी माइक्रो प्रोसेसर चिप को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं फिफ्थ जनरेशन की तरफ। फिफ्थ जनरेशन का पीरियड ऑफ टाइम है 1981 टू प्रेजेंट, यानी अभी तक फिफ्थ जनरेशन चल ही रही है। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स की जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है, जिसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। इसमें रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया गया है, साथ ही लैंग्वेजेस में सी, सी प्लस प्लस, जावा, .NET और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस फेमस हैं। लिमिट्स, पहली ये यूजेस लो लेवल लैंग्वेज, ये बहुत ही निम्न स्तरीय भाषा का यूज़ करती है। सेकेंड है मेक ह्यूमंस लेजी, ये ह्यूमंस को सुस्त, लेजी बनाते जा रही है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ बिग थम्स अप. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ इट. थैंक यू वेरी मच.